जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। अभी मैं एम्स्टरडम से ब्रसल्स के लिए जा रहा हूँ। आपको मैंने बताया था कि मैं बाय बस जाऊँगा, फ्लिक्स बस से जाऊँगा और मैं आपको जर्नी दिखाऊँगा कि सफ़र कैसा है। मैंने एक दो दोस्तों से पूछा तो कह रहे थे बहुत ज़्यादा खूबसूरत सफ़र है, बाय बस ही जाना। तो मैंने कहा चलें बाय बस चलते हैं और अभी एलेक्स से हम लेते हैं इजाज़त, क्योंकि एलेक्स से हमें 2 दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा घुमाया फिराया है, बड़ा अच्छे से रखा है, बड़ी खिदमत की है। तो एलेक्स जी आ गए हमें छोड़ने। Hi guys, how are you doing? I saw this leaving, unfortunately. It has been not the best weather for the last 2 days, but I hope he still had a great time. I think he did. He saw a lot of beautiful things. Actually, वो कह रहा है कि weather इतना अच्छा नहीं था, ऐसा नहीं चाहिए था, enjoy ना किया हो। लेकिन ये है कि company मैंने इसकी बहुत ज़्यादा enjoy की है, इसने मुझे ऐसे feel करवाया कि जैसे मैं इसका फैमिली मेम्बर हूँ। बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब कि खिदमत आप कह लें कि यह खाने इसने मुझे डच खिलाए, हालांकि मुझे मज़ेदार नहीं लगे, लेकिन यह कि इसने काफ़ी ज़्यादा बना के दिए हैं। ठीक है, तभी वो जा नहीं रहा, कह रहा है बस आएगी तो मैं जाऊँगा, इधर से मेरी वापसी की फ़्लाइट है। तो मुझे इंसिस्ट कर रहा है कि आप मेरे पास होके जाना, तो बल्कि जुलाई में ये मेरे पास पाकिस्तान भी आ रहा है। ठीक है, तो यू आर कमिंग टू पाकिस्तान इन जुलाई? इन जुलाई, या या आई एम, दैट्स माय समर हॉलिडे एंड देन आई विल विजिट यू गाइस। तो एलेक्स जी जुलाई में पाकिस्तान आ रहे हैं अपने कुछ और दोस्तों के साथ। मैंने इसको कहा कि आप लाजमी विज़िट करो पाकिस्तान, भी बड़ी अच्छी जगह घूमने फिरने के लिए। तकरीबन 2 घंटे 45 मिनट का सफ़र है एम्स्टरडम से बेल्जियम ब्रसल्स का। ठीक है, तो 12:45 हो गए हैं, सॉरी 11:45 हो गए हैं और 12 बजे बस निकलनी है, 15 मिनट बाद बस चलनी है, 10 मिनट तक ये प्लेटफॉर्म पर आ जानी है। ये स्टेशन है यहाँ का ना, तो 801 हमारी बस का नंबर है जी, अभी बस आ रही है तो उसमें बैठ के फिर आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, सामान जी बस में रख ली है और अभी टिकट दिखाते हैं उन्हें और बस में बैठते हैं। आई होप सो के पासपोर्ट भी वो देखेंगे। एलेक्स आप कुछ परेशान परेशान लग रहे हैं, यू आर लुकिंग सैड। ओह, आई एम इट्स कोल्ड, सो आई एम अ बिट सैड एंड ऑफ कोर्स आई एम सैड बिकॉज़ यू आर गोइंग टू ब्रसेल्स, बट आई हैड अ लवली टाइम। यू विल जॉइन मी इन पाकिस्तान एज़ वेल। आई विल जॉइन यू इन पाकिस्तान इन जुलाई। हां, इन जुलाई 2022। इन 2022, या यू नो माय यूट्यूब फैमिली विल वेट फॉर यू। ग्रेट, दे विल कम टू मीट यू इन गुजरांवाला। ग्रेट ग्रेट, दैट साउंड्स परफेक्ट। Can't wait to meet you guys. No, so we're friends. मास्क लगा लिए और बस में आ गए हैं। बस में भी जगह है खाली, इतनी बस फुल नहीं है, आगे जाके ना लोग बिठा ले, लेकिन ये कभी फिलहाल दोनों सीटें हमें मिली हुई हैं। अभी ये देखे ना, बारिश हुई है, एम्स्टरडम से भी बस निकल रही है। फ्लिक्स बस है, काफ़ी साफ़ होती है, इनका नेटवर्क पूरे यूरोप में बहुत बड़ा है। आप किसी भी कंट्री से, यूरोप में किसी भी सिटी से आप फ्लिक्स बस ले सकते हैं, आपको हर सिटी से मिल जाती है बस। ये इवन के 18-18 घंटे का भी इनका टाइम है। इधर से चेक रिपब्लिक हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, हर कंट्री में इनकी ना बस जा रही है। बसेस में सारों ने मास्क लगाए हुए हैं, बाहर आपको मास्क लगाने की ना ज़रूरत नहीं, लेकिन बस में हो गया, रेस्टोरेंट में हो गया, आपने हर जगह पे मास्क लगाने हैं। रोड्स देखें कितने ज़बरदस्त हैं यूरोप के,
गाड़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है नैदरलैंड में, लेकिन यह कि यहाँ पे बाईसाइकिल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग ना। अभी बस स्टिल नैदरलैंड में ही है, बेल्जियम अभी बॉर्डर इन्होंने क्रॉस नहीं अभी किया बस ने ना। एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ये देख रहे हैं आप सारा एग्रीकल्चर ही है। यहाँ की गायें बहुत फेमस हैं स्विट्ज़रलैंड की, नैदरलैंड की, जैसे ऑस्ट्रेलिया की हैं। अभी देखें दोपहर के, यहाँ पे अभी दोपहर भी नहीं बल्कि 12:19 हो गए हैं और बादलों की वजह से ऐसे लग रहा है जैसे शाम हुई है। ये विंड मिल यहाँ पर ना बहुत फेमस है नैदरलैंड में, ये लोग अक्सर देखने आते हैं। मेन हाईवे पे जा रहे हैं और तकरीबन 2-2.5 घंटे का सफ़र है यहाँ से ना। बेल्जियम बिल्कुल नज़दीक है नैदरलैंड से, छोटी छोटी ये कंट्रीज़ हैं। बारिश अभी रुक गई है और बाहर का वेदर अब अच्छा हो रहा है, ठीक है। बेल्जियम में एंटर होने लगे हैं, बॉर्डर आने लगे हैं। ये विंड मिल सब देखें, नैदरलैंड में ये बहुत फेमस हैं। अभी हम बिल्कुल नैदरलैंड और बेल्जियम के बॉर्डर पे हैं, लेकिन इधर बॉर्डर्स का पता नहीं चलता कब गुजर जाता है। भी पता ही नहीं चला ना, कोई चेक पोस्ट आई है ना कुछ, देखने में देख ले दोनों कंट्री देख गए। यही तो है कि शेंजन में कोई बॉर्डर है ही नहीं है, पता ही नहीं चलता दूसरे कंट्री में एंटर हो गए हैं। तो जी बेल्जियम पहुंच गए हैं, बारिश हो रही है और ये है जी बेल्जियम ब्रसल्स। यहाँ से तकरीबन 900 मीटर की वॉक पर मेरा होटल है और अभी मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं बाई वॉक ही जाऊँ, लेकिन मौसम इस तरह का देखता हूँ तो तकरीबन 2 घंटे 45 मिनट लगे हैं। नॉन स्टॉप बस थी, कोई ट्रैफिक नहीं थी, हाईवे थी और सफ़र बहुत ज़बरदस्त था। बस के अंदर तो उसने हीटर वगैरह लगाए हुए थे, लेकिन बाहर काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। मौसम तकरीबन एम्स्टरडेम का और बेल्जियम का एक जैसा ही है। ये देखें यहाँ पे काफ़ी बिल्डिंग्स भी हैं। तो मुझे अब दें इजाज़त, मैं ज़रा अम्ब्रेला वगैरह निकाल लूं। तो मिलते हैं फिर आपको, मैं बेल्जियम ब्रसल्स का ना जी एक टूर भी करवाऊंगा, एक नेक्स्ट ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ ज़रूर अपलोड करूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।